असलम एवरी वन सो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर थ्री है और उसका पार्ट नंबर एट पार्ट नंबर नाइन और पार्ट नंबर टेन जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे सो so, हम पार्ट नंबर एट से स्टार्ट करते हैं सो पार्ट नंबर एट यहाँ पे मैंने लिख लिया है सो लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो वन माइनस कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन स्र एक्स सो इस तरह का एक पार्ट जो है वो पहले मैं करा चुका हूँ और वो पार्ट uh, नंबर इट वॉज पार्ट नंबर थ्री सो पार्ट नंबर थ्री में हमने रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ किया था आप इसको देख लीजिएगा सो पार्ट नंबर थ्री में हमने जिस तरह से रेशनलाइज किया था यहाँ पर भी हमने लेकिन अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो साइन एक्स जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर में जब जीरो आता है तो हमें इन्फिनिटी मिलता है सो बचो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पर रैशनलाइजेशन का कन्सेप्ट यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ निनोमिनेटर सो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो ये वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्केयर एक्स वैसे ही रहेगा अच्छा इसको मैंने नोमिनेटर का साइन चेंज करें और मल्टीप्लाई और डिवाइड करें देखिए यहाँ पे वन माइनस कॉस था और यहाँ पे वन प्लस हो कॉस काज हो गया वन प्लस कॉस एक्स सो अब आप नोमिनेटर को वापस में मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को वापस में मल्टीप्लाई करें सो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी सो so, उस फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ करना है देखिए वन माइनस काज है और यहाँ पे वन प्लस काज है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वन का स्केयर माइनस कॉज का स्केयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे वाले फैक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करें सो so, आपके पास ये टर्म आ गई सो so, बच्चो अब हमें क्या कर रहे हैं देखिए वन का स्केर वन ही होता है वन माइनस काज स्केयर जो होता है वो साइन स्केयर के बराबर होता है सो so, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो वन माइनस काज स्केयर एक्स इज इक्वल टू साइन स्केयर एक्स ये विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट बेसिक ट्रिग्नोमेटिक आइडेंटिटी जो है हमारे पास उसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ एक मिनट जरा देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बेसिक ट्रिग्नोमेटिक आइडेंटी होती है साइंस के एक्स प्लस कॉस के एक्स इज इक्वल टू वन आप यहाँ पे कॉस केयर को साइड पे ले जाएं तो साइंस केयर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस केयर एक्स सो बेसिकली वन माइनस कॉस किसके बराबर है साइंस के एक्स के बराबर है तो इस वजह से यहाँ पे मैंने साइंस केयर की वैल्यू पुट कर वन माइनस कास्केयर की वैल्यू पुट कर दी है जो कि साइंस के एक्स है सो so बचो अब आपके पास ये साइंस केयर साइंस से कैंसर अब आपके पास क्या बचा जरा मैं उसको भी यहाँ पर लिख लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें जहां भी आपको एक्स नजर आ रहा है आपने उसकी जगह जीरो पुट किया सो का जीरो वन होता है सो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू सो इस तरह से हमने इस गिवन जो पार्ट नंबर एट है इसको हमने सबसे पहले रैशनलाइज किया है रैशनलाइज करने के बाद हमने लिमिट अप्लाई की है तो हमारे पास जो आंसर है वो वन बाई टू आ गया आई होप सो आपको ये जो पार्ट नंबर एट है इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है सो so, बच्चों अब हम पार्ट नंबर जो नाइन है उसको देख लेते हैं सो पार्ट नंबर नाइन में जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम उसको देखते हैं सो दिस इज पार्ट नंबर नाइन ये आपके पास पार्ट नंबर नाइन है लिमट थीटा अप्रोचेज टू जीरोड बाई थीटा सो पार्ट नंबर नाइन है हमारे पास लिमट थीटा एप्रोचेज टू जीरो साइन स्केर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा बच्चो अगर हम यहां पर डायरेक्ट लिमट अप्लाई करते हैं तो हमें इंफिनिटी मिलता है क्योंकि डिनोमिनेटर में जब थीटा की जगह जीरो पुट करेंगे तो ऑफकोर्स हमें इन्फिनिटी मिलेगा सो so, हमने विद द हेल्प ऑफ एलजेबलाइक टेक्निक एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी क्या है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू जीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू वन यहाँ पे थीटा की जगह एक्स भी आ सकता है ठीक है ना इससे आपने कन्फ्यूज नहीं होना सो बाई द वे इस साइंस केयर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा सो so, इसको तो मैं ऐसे ही लिखता हूँ लिमिट वैसी ही रहेगी साइन स्केयर थीटा जो है इसको मैंने लिख लिया साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा अब मैं क्या करता हूँ कि साइन थीटा ओवर थीटा को मैं इलादा कर लेता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप किसी दो टर्म्स को इलाता से लिख सकते हैं कम्बिनेशन बना के सो साइन थीटा बाई थीटा इसको मैंने इलादा कर दिया और इसकी लिमिट जो है उसकी लिमिट को आप इलाह कर दें लिमिट थीटा अप्रोच टू जीरो साइन थीटा ये आपके पास किसके बराबर है बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी ये वन के बराबर है और यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर लें साइन जीरो दिस इज इक्वल टू वन इंटू साइन ज़ीरो जीरो होता है तो आपके पास आंसर क्या आ गया जीरो आ गया सो so, बच्चों इस तरह से हमने पार्ट नंबर जो नाइन है उसको डिस्कस किया है सो so, अभी हम जो पार्ट नंबर टेन है उसको देख लेते हैं पार्ट नंबर टेन सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट नंबर टेन है क्या सो दिस इज पार्ट नंबर टेन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो सीकेंड एक्स माइनस काज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स सो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो सीकेंड एक्स माइनस काज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये जो सीकेंड एक्स है क्या मैं इसको वन ओवर काज लिख सकता हूँ क्योंकि सीकेंड एक्स वन ओवर काज एक्स के बराबर होता है सो so, यहाँ पर मैं लिखता हूँ देखिएगा ज़रा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो सीकेंड एक्स को लिखा वन ओवर काज एक्स बाकी सारा ऐसे ही रहेगा डिवाइडेड बाय एक्स अब आपके पास ये जो ऊपर वाली टर्म है ओवर अगर इसका मैं एलसीएम लूं तो ये किसके बराबर होगा जरा गौर कीजिएगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो इस ऊपर वाली टर्म का मैंने एलसीएम लिया तो काज एक्स एलसीएम आएगा और यहां पे वन माइनस एक्स आ गया और ये कॉज एक्स जो एलसीएम हमने लिया है निशा के मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ तो ये एक्स इंटू कॉज एक्स हो जाएगा सो बच्चों अब हम इस स्टेप को आगे कंटिन्यू करते हैं सो हमारे पास आ, क्या था देखिए जरा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस केयर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इंटू कॉस एक्स सो so बच्चों अब हम क्या करते हैं वन माइनस काज केयर जो है वो साइंस केयर के बराबर होता है so सो मैं यहां पे लिख लेता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पास ये जो साइंस केयर एक्स है क्या इसको मैं साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स लिख सकता हूं देखिएगा जरा लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन एक्स इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन एक्स से तो हमें साइन के रेक्स मिल जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स कॉज एक्स अब यहाँ पे मैं कम्बिनेशन बनाता हूँ क्योंकि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वहाँ पे साइन एक्स ओवर एक्स है तो साइन एक्स ओवर एक्स का कम्बिनेशन मैं इलादा बना लेता हूँ और ये जो साइन एक्स और कॉज एक्स है इसका कम्बिनेशन मैं इलादा से बना लेता हूँ सो ये क्या हो जाएगा ज़रा गौर कीजिएगा एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इसकी मैंने लिमिट को भी इरादा कर दिया मल्टीप्लाई क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइड बाई कॉज एक्स ये बेसिकली किसके बराबर है ये वन के बराबर है क्योंकि लिमिट भी जीरो को अप्रोच कर रही है साइन फंक्शन है जो एंगल है वही डिनोमिनेटर है तो ये आपके पास ये वन के बराबर है मल्टीप्लाई यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें साइन जीरो डिवाइडेड बाय कॉस ज़ीरो बच्चों यहाँ पे साइन जीरो जो होता है वो ज़ीरो होता है और कॉस जीरो हमारे पास वन होता है ये वन के साथ मल्टीप्लाई के जीरो बाई वन ही आएगा सो so, हमारे पास यहाँ पे आंसर ज़ीरो आ गया सो so, इस तरह से हमने ये जो पार्ट नंबर एट है इसको हमने अंडरस्टैंड किया है आई होप सो आपको ये जो तीनों पार्ट्स हैं इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग होगी है सो so, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री के कुछ पार्ट्स रहते हैं उसको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो